Hello everyone, thanks for clicking on this video. Welcome back to my channel. And in today's vlog we are going to discuss about Assam. Guide, अभी वाइट बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है और मैं कोशिश कर रहा था डिजिटल बोर्ड की, बट वो अरेंज नहीं हो पा रही है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आसाम के बारे में. तो गाइज, आपको कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस का मजा लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली बात कि आसाम का कैपिटल दिसपुर है. द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर एंड CM इज सर्बानंद सोनोवाल सर. सो गवर्नर जो हैं वो हैं जगदीश मुखी और चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी. तो अगर हम इसके नेबरिंग कंट्री यानी कि पड़ोसी देशों की बात करें तो वो है भूटान और बांग्लादेश. जबकि नेबरिंग स्टेट्स की बात करें यानी कि राज्यों की बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. ये इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं. लोकसभा में सीट्स इसके 14 हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीट्स हैं. गाइज, माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भी आसाम में ही है. तो अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो गाइज प्लीज, माजुली भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए. लोहित नदी पर बना भूपेन हजारिका पुल, जो कि धोला सदिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत का सबसे लंबा पुल है. और गाइज एक और चीज आपको मैं बता दूं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए वर्ल्ड फेमस है. तो गाइज अगर आपको भी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो आप भी आकर यहाँ काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं. और साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ हमारे पास मानस नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क है जो कि डिब्रूगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है. और गाइज यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो है 958, यानी कि 1000 मेल एंड 958 फीमेल. अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट यहाँ काफ़ी अच्छा है, 72.19%. यहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें असमिया, बोरो और कार्बी. असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वॉचमैन, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इंडिया में कोई भी आता है तो उसे आसाम की ओर से होकर गुजरना पड़ेगा. और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी इसीलिए कहा जाता है. यहाँ का प्रमुख जो त्यौहार है वो है बिहू. और टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, जो वन क्षेत्र है, वो है 35.22%, यानी 35.22%. काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन मानस नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है. यहाँ की जो कृषि है वो मेनली चाय प्रधान उद्योग पर बेस्ड है. तो गाइज अगर आपको चाय की खेती देखनी हो तो आप अगेन वेलकम है आपका आसाम में. और यहाँ 4 तेल शोधनागार हैं यानी कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, और एक डिगबोई में भी है जो मैंने एक बार विजिट किया था बट उसकी वीडियो नहीं बनी है. तो गाइज अगर आप कमेंट करेंगे तो कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं बनाऊँ. और अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. पर्यटन स्थल में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि कामाख्या मंदिर, उमानंद और नवग्रह मंदिर, वरिष्ठ आश्रम, डोल गोविंद मंदिर, गांधी मंडप, शुक्रेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, मदन कामदेव मंदिर, सरायघाट पुल भी है जो कि काफ़ी फेमस है. गाइस आपको एक बात बता दूं कि 1228 AD में आहोम ने असम में एंट्री की थी, और इस एंट्री का सबसे मेन रीज़न जो था वो था यहाँ की मिट्टी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, यहाँ का वेदर जो था काफ़ी आरामदायक था. तो इसलिए जब आहोमों ने यहाँ आक्रमण किया
तो वो यहाँ से लूट कर ले जाने के बजाय वो यहीं रह जाना ज़्यादा अच्छा लगा उन्हें, और वो यहीं रह गए। और धीरे धीरे आहोमों के नाम पर ही असम का नाम रखा गया है, ऐसा भी माना जाता है। और उस समय ब्रह्मपुत्रा को टिलाव नाम से जाना जाता था। गाइज, असम के बारे में बाकी के वेद या उपनिषदों में इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बट एक और फैक्ट जो आपको शायद पता ना हो वो मैं बता दूं कि यहाँ हॉर्स सेक्रीफाइस को भी एक पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस दिया जाता था। हॉर्स सेक्रीफाइस का मतलब है कि गाय घोड़े की बलि देना। तो गाइज, ये भी एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ थी। और हाँ, बहुत सारे राजा थे जैसे कि पुष्य वर्मन, भास्कर वर्मन और उनके सन समुद्र वर्मन, कंटेम्प्रेरी समुद्र गुप्ता, और इन सब के बारे में अलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। तो इस ये हमारी हिस्ट्री की जो है मतलब सोर्सेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ, ये राजा यहाँ थे, ये राजा वहाँ थे, इस राजा ने ऐसा कुछ किया, वैसा कुछ किया। तो राजाओं के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और गाइज, आपको मैं बता दूँ कि सुस्त ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, जैसे कि आप मान सकते हो हर्ष चरिता जो है, जिसका काफ़ी फेमस बुक है रिटन बाय बाण भट्ट, जो कि बाण भट्ट ने लिखा था, वो भी एक मेमोरेबल इवेंट है, क्योंकि भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन के बीच जो अलायंस हुई थी उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो गाइज, और अब मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ डिब्रूगढ़ के बारे में, क्योंकि डिब्रूगढ़ इसलिए क्योंकि वो मेरा होम टाउन है। और गाइज, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, स्क्रीन पे फ्लैश करेगा। और साथ ही गाइज, डिब्रूगढ़ के बारे में मैं छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिब्रूगढ़ के आसपास रहते हैं तो यस, डिब्रूगढ़ तीन चार चीज़ों के लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी डिब्रूगढ़ में रहना चाहता है तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ बहुत ही नज़दीक में असम मेडिकल कॉलेज है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही बड़ा असम मेडिकल कॉलेज है गाइस, और यहाँ बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और गरीबों का इलाज काफ़ी फ्री में होता है लगभग। तो गाइज, अगर आपको भी अगर विजिट करना हो तो आप भी विजिट कर सकते हो। साथ ही हाँ, बारिश के मौसम में यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही बारिश को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। गाइज, आपको पता होगा कि चेरापूंजी में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो चेरापूंजी है, जो कि इसी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो गाइज, इस वजह से भी यहाँ बारिश का काफ़ी, और बारिश की वजह से कभी कभी यहाँ बाढ़ भी आती रहती है, तो बाढ़ की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को भी फेस करनी पड़ती है गाइज। तो प्लीज़ आप जब भी आएँ तो थोड़ा सा पहले एक बार देख कर आएँ कि हाँ मौसम कैसा है, वरना पता चला आपको रास्ते में भीगना पड़ गया। तो भीगने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप आ सकते हैं। और यस गाइज, जो ये बाहर से लोग घूमने आते हैं नॉर्थ ईस्ट को, वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि यहाँ का मौसम काफ़ी सूटेबल और अच्छा है। तो गाइज, अगर आप एक अच्छे मौसम का, ग्रीनरी का और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का मज़ा उठाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में घूमने आ सकते हैं। स्पेशली जो डिब्रूगढ़ है, डिब्रू सैखुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, चाय के बागान हैं, आप वो सारी चीज़ें घूम सकते हो। और छोटी मोटी कुछ एक क्लिप्स हैं जो मैं आपको बैकग्राउंड पे दिखा दूंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सीखने में हेल्प करता है, तो प्लीज़ गाइज हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।